सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि एक मोटो व्लॉगिंग सेटअप पे कंप्लीट वीडियो बना लूं। अब मैंने एक नया अपना सेटअप को पूरा रिन्यू किया है। अभी मेरे पास है एग्जॉर का हेलमेट, जैसा कि आप देख सकते हो। मैंने इसे अमेज़ॉन से परचेज़ किया है, जो कि मुझे पड़ा है 4,500 की। चलिए, एक न्यू बिगनर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होने वाली है, जो सोच रहे हैं कि कैसे किस चीज़ से शुरुआत किया जाए, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है व्लॉगिंग के लिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। सो गाइज, ये रहा, ये हमारी अनबॉक्सिंग हो रही है, और ये रहा हेलमेट जो कि आता है एग्जॉर के बैग के अंदर। और गाइज, ये काफ़ी कम बजट में बहुत बढ़िया चीज़ एग्जॉर प्रोवाइड करती है। कितना खूबसूरत हेलमेट है, जो कि मैंने नियॉन में मंगाया है, ब्लैक ग्रे और नियॉन कलर में, क्योंकि मैं इन फ्यूचर एक BSG का गियर भी लेने, राइडिंग जैकेट लेने का सोच रहा हूँ। मुझे ये वो इसके साथ मैच कर जाएगी, इसलिए मैंने इसे लिया है। और इसका लुक काफ़ी अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया था जब मैंने ऑनलाइन इसे देखा था अमेज़ॉन पे। ये रहा इसका कुछ लुक, देख सकते हो आप। और गाइस, ये ड्यूअल वाइज़र के साथ आती है, ये रहा एग्जॉर की ब्रांडिंग, और ये रहा इसका वाइज़र। हम ओपन कर रहे हैं और इसमें स्टिकर्स अभी लगे ही हुए हैं, जस्ट अभी आज ही आया है, मैंने से अभी इसे खोल रहा हूँ। और अब इसके अंदर वाले वाइज़र को ओपन करते हैं, ये रहा ब्लैक कलर में, और यहाँ इस पर स्विच है। और चलिए अब नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये रहा हमारा GoPro Hero 8 ब्लैक कलर, और ये रहा इसका सैंडिस्क का एक्सट्रीम SD कार्ड, जो कि मैंने 64 GB ऑर्डर किया था। और आपको ये नॉर्मल वाले SD कार्ड नहीं मंगाना है, ये सैंडिस्क का एक्सट्रीम SD कार्ड ही मंगवाइएगा, तभी ये GoPro में काम करेगा, सही से वर्क करेगा। और चलिए, अब आपको GoPro की अनबॉक्सिंग, ऐसे तो मैंने GoPro की अनबॉक्सिंग कर ली थी पहले से ही, बट अब एक बार आप लोग के लिए कर देता हूँ अनबॉक्सिंग। चलिए, ये रहा डब्बा, जो कि पहले GoPro Hero 9 में आता था और अब GoPro Hero 8 में भी मिलता है। चलिए अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या एक्सेसरीज मिलती है। गाइस, ये रहा इसके अंदर का नज़ारा, ये है हमारा GoPro। ये रहा, अब आप लोग सोचेंगे कि मैंने, अब जब GoPro 9, 10, 11 आ गया, तो मैंने GoPro Hero 8 क्यों ऑर्डर किया? क्योंकि गाइस, एक तो इसका दो तीन कारण है कि इसका जो अभी जो मैंने इसे जिस रेट पे लिया है, उस रेट में बहुत कम मुझे मिल गया, बहुत बड़ा डिस्काउंट ऑफर में मुझे मिल गया। लगभग अभी जो इसका रेट चल रहा है वो 32,000 चल रहा है, बट मुझे ये 25,756 में मिल गया। इसलिए एक वजह ये भी थी कि ऑर्डर करने की, प्लस इसका बैटरी बैकअप भी अच्छा रहता है, नॉर्मल बाकी GoPro से थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है। और बाद में मैं दूसरे GoPro पे स्विच करूँगा, बट अभी तो फ़िलहाल इसी से काम चलाना है। और चलिए, इसमें और देखते हैं क्या क्या चीज़ हमें मिलती है। इसमें हमें मिल जाती है एक ये केबल, चार्जिंग केबल जो भी, और एक ये माउंट मिल जाती है, एक ये नॉर्मल माउंट, और एक इसकी बैटरी। बस इसमें यही चीज़ है, बैटरी मिल जाती है, और एक ये स्क्रू मिल जाती है जो हम टाइट कर सकते हैं जिससे, बस। चलिए, अब आपको नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर लेके चलते हैं, नेक्स्ट प्रोडक्ट्स दिखाते हैं। गाइस, नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये यंत्रालय का YTG8 GoPro का केस। चलिए अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये मुझे पड़ा है 1,244 रुपीज़ की, अमेजोन से ऑर्डर किया था मैंने, और सभी प्रोडक्ट्स का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और प्राइस एक बार वापस मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप अगर नए ब्लॉगर हो या फिर आप ब्लॉगिंग शुरू करने का सोच रहे हो, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो हो जाएगी। चलिए अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये रहा आपका कैमरा का कवर, और ये रहा आपका GoPro का केस, यंत्रालय का न्यूलैंसी का मैंने सर्च किया, बट अमेज़ॉन पे उस समय अवेलेबल नहीं था, मैंने यंत्रालय का ही ऑर्डर कर लिया। काफ़ी अच्छा क्वालिटी है इसका, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और ठीक है, काम चलाने के लिए फ़िलहाल अभी के लिए सही है। और चलिए अपने चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर।
जो कि है हमारा मोनो का माइक है। इसका भी मैंने रिव्यू देख रखा था, काफ़ी अच्छा रिव्यू था। सो चलिए अब इसकी भी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये पता नहीं कुछ मैनुअल वैनुअल है, और ये रहा अच्छे से बैग में पैक किया हुआ माइक। देखते हैं इसके साथ हमें क्या क्या चीज़ मिलती है। पहले तो ये रहा माइक, डिसेंट क्वालिटी है। ये रहा इसका कन्वर्टर, क्योंकि ये जो माइक है इसमें आप देख सकते हो ट्रिपल स्ट्रिप्स है, जो कि आपका मोबाइल में ही यूज़ हो सकती है, बट अगर आपको अपने एक्शन कैमरा में यूज़ करना है तो आपको ये कन्वर्टर आपको लगाना ही होगा। और एक ही क्लिप मिलती है जो कि हमें माइक माइक में यूज़ करनी है। और ये माइक मुझे पड़ी है 450 रुपीज़ की। एक बार मैं इन सब चीज़ों को हेलमेट में वापस फिट करके उसके बाद आपको एक पूरा फुल रिव्यू दे दूंगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। ये रहा मेन प्रोडक्ट हमारा, गोप्रो का माइक अडेप्टर, जिसके बिना गोप्रो यूज़ करना एक मोटो ब्लॉगर के लिए काफ़ी मुसीबत है। चलिए अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये आपको गोप्रो हीरो सेवन एट नाइन टेन और 11 में भी आप यूज़ हो सकती है। ये रहा प्रोडक्ट। जैसा कि देख सकते हो आप, ये प्रोडक्ट मुझे पड़ा है 4,500 रुपीज़ की। ये नॉइस कैंसिलेशन में काफ़ी मदद कर देती है, इसलिए अगर आप एक मोटो ब्लॉगर हो तो ये ज़रूर से आपको ज़रूर लेनी पड़ेगी। और डायरेक्टली आप माइक अटैच नहीं कर सकते हो गोप्रो में, सो आपको ये लेना ही पड़ेगा, ताकि आप यहाँ पे देख सकते हो इस हॉल में ना माइक अटैच कर सकते हो। चलिए अब चल बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, जो कि अब है ये रहा हमारा एक्सन प्रो का स्क्रीन प्रोटेक्टर, जो कि आप टेम्पर्ड ग्लास भी बोल सकते हो, ग्लास प्रोटेक्टर बोल सकते हो, जो कि मैंने अपने गोप्रो हीरो 8 के लिए मंगाया है। इसमें अब देखते हैं हमें क्या क्या मिलती है। ये रहा इसका जो जिसको पहले गोप्रो को साफ करके उसके बाद, ये रहा कुछ वाइप्स हैं जो कि यूज़ करना है हमें शायद साफ करने के लिए। और ये रहा उसके अंदर का गार्ड, जो कि आप अगर नया गोप्रो ले रहे हो तो, अगर मोटो ब्लॉगर हो तो आपको ज़रूरत तो पड़ेगी इसकी। नॉर्मली भी आप ब्लॉगिंग करते हो गोप्रो से तो इसकी ज़रूरत पड़ सकती है आपको, क्योंकि ये आपकी स्क्रीन को, कैमरा लेंस को स्क्रैच से बचाती है। काफ़ी यूज़फुल प्रोडक्ट है एक्सन प्रो का, और जैसा भी होगा इसका रिव्यू मैं यूज़ करने के बाद ही बता सकता हूँ। और ये मैंने एक्सन प्रो का जे माउंट मंगवाया है। तो ये रहा एक्सन प्रो का कार्ड और ये रहा जे माउंट। इसकी क्वालिटी मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई, बट ठीक है, फिलहाल काम चलाने के लिए मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। क्वालिटी अगर सही रहेगी तो ही मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वरना मैं इसे रिप्लेस करवा के दूसरा मंगवाऊंगा। इसकी क्वालिटी थोड़ी सी चीप लग रही है ऐसे मुझे, बट चलिए देखते हैं जैसा भी हो। चलिए अब आपको दिखाते हैं ओवरऑल क्वालिटी गोप्रो की क्या आ रही है और माइक की क्या आ रही है। सोचो तो गाइज, ये रहा गोप्रो का फुटेज जो कि आप देख रहे हो। पता नहीं साउंड अभी कैसा आ रहा है, मैं फ़र्स्ट टाइम चेक कर रहा हूँ। और ये जो साउंड अभी आपको सुनाई दे रहा है, ये वाइज़र मैंने खोल रखा है, और अब मैं वाइज़र क्लोज़ कर लेता हूँ। और ये रहा क्लोज़ में, पता नहीं कितना नॉइज़ कैंसिलेशन काम कर रहा है, बट फिलहाल ठीक ही मुझे तो
एक बार मैंने पहले भी रिकॉर्ड किया था, उस समय माइक काम नहीं कर रहा था सही से, मैंने प्लगइन सही से नहीं किया था उसे, बट उसके बाद मैंने प्लगइन कर लिया है और अब चेक कर रहा हूँ। सो होप करता हूँ कि साउंड अच्छी ही आनी चाहिए। और मैं सभी प्रोडक्ट्स का लिंक अपने लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो आप वहाँ से अगर आप ब्लॉगिंग चैनल बनाना चाह रहे हो तो आपको पूरा कंप्लीट सेटअप का परचेज़ करने का लिंक आपको मिल जाएगा। सो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।